मुझसे हर दिन कोई ना कोई ये सवाल जरूर पूछता है कि जब Vivo Pro कबड्डी स्टार्ट होगा, यानी 22 दिसंबर से जब वो स्टार्ट होगा, तब उसे लाइव किस तरह से देखा जाए, टीवी पे वो कौन से चैनल पे आएगा, अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, कितने पैसे लगेंगे। तो इसलिए फाइनली मैंने ये सोचा है कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर मैं आपको उन सभी जरियों के बारे में बताऊंगा जिससे आप Vivo Pro कबड्डी को लाइव देख पाओगे। और हाँ, एक ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिस ट्रिक के जरिए आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री में पा सकते हो। जी हाँ, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वाकई में आप उसे टेक्निकली फ्री में पा सकते हो। नहीं, अभी डायरेक्ट वीडियो फॉरवर्ड मत कर देना यार, बड़ी मेहनत से रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ, पूरा देखो यार। तो सभी पॉसिबल जरियों के बारे में हम बात करने वाले हैं जिससे आप Vivo Pro कबड्डी को लाइव देख पाओगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड ऑब्वियस, अगर Vivo Pro कबड्डी को आप लाइव अपने टीवी पर देखना चाहते हो तो आपके टीवी पर होने चाहिए स्टार स्पोर्ट्स के चैनल। आपको सिंपली अपने केबल टीवी या डीटीएच ऑपरेटर को कॉन्टैक्ट करना है और उससे कहना है कि आपको स्टार स्पोर्ट्स का पैक खरीदना है। अब Vivo Pro कबड्डी तो स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी इस पर दिखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे एक सिर्फ चैनल आपको कहीं पे भी ऐसे खरीदने को नहीं मिलेगा, आपको पूरा पैक ही खरीदना पड़ेगा। तो वो पूरे स्टार स्पोर्ट्स के पैक में स्टार स्पोर्ट्स के कई सारे चैनल आ जाएंगे और उसमें स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी इस चैनल पे आपको Vivo Pro कबड्डी लाइव देखने को मिलेगा 22 दिसंबर से। अब मान लेते हैं कि किसी वजह से आपके पास टेलीविजन नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास है आपका स्मार्टफोन और उसके अंदर है इंटरनेट, तो भी आप Vivo Pro कबड्डी को लाइव देख पाओगे। आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से डाउनलोड कर लेना है डिज्नी प्लस हॉटस्टार नामक एक एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन पे आपको कबड्डी के साथ साथ कई सारे स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको सब लाइव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो उसके बाद आपको इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। जब आप उसे डाउनलोड करते हो तब आप अपना फोन नंबर और OTP डाल के साइन इन कर लीजिए। उसके बाद ये आपके सामने सब्सक्रिप्शन के 3 प्लान्स रखेगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 3 प्लान्स अवेलेबल है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल, डिज्नी प्लस हॉटस्टार सुपर और डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम। और ये प्रीमियम सबसे बेकार प्लान है, इसको बिल्कुल भी गलती से भी लेना ही नहीं है, इसकी तरफ देखना भी नहीं है हमको। ये 1499 तो बिल्कुल नहीं भरने वाले बड़े, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये वाला प्लान तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, हमें लेना है हॉटस्टार मोबाइल वाला प्लान जो कि है 499 रुपए में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल वाले इस प्लान में सब कुछ आ जाता है, इसमें आप स्पोर्ट्स सभी तरह के लाइव देख पाओगे, तो इसलिए आपको यही प्लान लेना है। हाँ, लेकिन अगर आप Vivo Pro कबड्डी इस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे देखने की सोच रहे हो तो आपको डिज्नी प्लस का ये सुपर वाला प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फोन में देख रहे हो तो प्लीज ये मोबाइल वाला प्लान लेना, बाकी किसी में अपना पैसे बर्बाद मत कर देना, क्योंकि इस मोबाइल वाले प्लान में सब कुछ आ जाता है, आप सभी टाइप के स्पोर्ट्स देख पाओगे लाइव, उसी के साथ साथ डिज्नी और मार्वल के सभी शोज और मूवीज भी हिंदी में देख पाओगे। हाँ, अगर आप डिज्नी और मार्वल के शोज इंग्लिश में देखना चाहते हो तो ही ये प्रीमियम वाला प्लान लेना, वरना बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है प्रीमियम वाले में 1499 खर्च करने की, मोबाइल वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री में पाने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है एक जियो सिम की। जी हाँ, जियो सिम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनके पास जियो सिम है वो तो ऑफकोर्स अपना रिचार्ज करते ही होंगे, उसी तरह से एक जियो का रिचार्ज प्लान है जिसमें वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए फ्री में दे रहे हैं। जियो का एक रिचार्ज है जो कि है 499 रुपए, जिसमें आपको 28 दिन के लिए प्रतिदिन 3 GB डेटा मिलता है, लेकिन साथ में इसके आपको मिलता है पूरे एक साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। और वैसे भी जिनके पास जियो सिम है वो तो हर महीने अपना रिचार्ज करते ही है, तो इसलिए इस बार आपको इस 499 वाले पैक से रिचार्ज करना है और इसी रिचार्ज के ऊपर आपको मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री में। अब जिन लोगों को माई जियो ऐप के जरिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं ये पता है, वो लोग इस वीडियो को यहाँ तक स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से माई जियो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसे डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर अपना फोन नंबर डाल दीजिए और अगर पूछे तो OTP भी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ मोबाइल पे टैप कीजिए और फिर यहाँ पर रिचार्ज पे टैप कीजिए, तो फिर आपके सामने सभी रिचार्ज के प्लान्स आ जाएंगे। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और 3 GB प्रतिदिन वाले सेक्शन में जाकर वहां पर ये जो सबसे पहला प्लान है ये 499 वाला, यही वो सबसे सस्ता प्लान है जिससे आपको मिलेगा एक साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। मैं जानबूझकर ये वीडियो एक महीना पहले बना रहा हूँ ताकि आप रिचार्ज करने का वक्त अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको। ये जियो का रिचार्ज जो है वो भले 28 दिन का है, लेकिन जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है वो पूरे एक साल का मिलने वाला है।
अब मेरे पास जियो सिम है इसलिए मैं जियो का बता रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि एयरटेल के साथ भी ऐसी कुछ ऑफर है या किसी और ऑपरेटर के साथ भी कोई ऐसी ऑफर है या नहीं, लेकिन जियो के साथ ये फिलहाल ऑफर चल रही है। इससे पहले कि बंद हो जाए ले लो जल्दी से। ये ऑफर लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये 499 वाला जैसे ही आप रिचार्ज कर दोगे बस बैठ के पूरी तरह से आराम करो। आपको थोड़ी देर बाद एक मैसेज आ जाएगा कि आपका हॉटस्टार का अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। फिर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाइए और वहां पर वही जियो नंबर डालिए जिसका आप भी आपने रिचार्ज किया था, वही वाला नंबर डालना है, ओटीपी आएगा वो डाल देना है और बस काम हो गया। रिचार्ज करने के 1-2 या ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे बाद आपका हॉटस्टार का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो हो गया डिज्नी प्लस हॉटस्टार का। अब मान लीजिए कि आप ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार का रिचार्ज या जियो रिचार्ज नहीं कराना चाहते, इस वजह से आप प्रो कबड्डी लाइव तो नहीं देख पाओगे, लेकिन हाँ लाइव स्कोर जरूर आप जान पाओगे प्रो कबड्डी का कि क्या चल रहा है। आपको जरूरत पड़ने वाली है सिर्फ और सिर्फ अपने एंड्रॉइड फोन की। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से प्रो कबड्डी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऑफिशियल ऐप पे 22 दिसंबर से जब वीवो प्रो कबड्डी शुरू होगा तब यहाँ पर आप उसका लाइव स्कोर देख पाओगे। अब चलिए ये भी मान लेते हैं कि आपके पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी एक जरिया है जिससे आप लाइव स्कोर देख पाओगे। आप सिंपली किसी भी फोन से अपने ब्राउजर पे जाइए और लिखिए prokabaddi.com। ये प्रो कबड्डी की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से भी आप वीवो प्रो कबड्डी के स्कोर को लाइव देख पाओगे। जी हाँ, यहाँ से भी आप सिर्फ स्कोर देख पाओगे, कबड्डी तो लाइव नहीं दिखेगी लेकिन एटलीस्ट स्कोर तो दिख जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास फोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है और टीवी भी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज छोड़नी पड़ेगी और वो है वीवो प्रो कबड्डी देखने का सपना। क्या मजाक कर रहे हो, इंटरनेट नहीं होगा, फोन नहीं होगा तो मेरा वीडियो कहां से देख रहे हो। सो गाइज, ये थे सारे तरीके जिससे आप वीवो प्रो कबड्डी को लाइव देख पाओगे। और हाँ, जियो रिचार्ज वाले ट्रिक को भी याद रखना, उससे तो आपको फ्री में मिल रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 1 साल का सब्सक्रिप्शन, तो जब तक ये ऑफर चालू है जल्दी से जल्दी करा लो। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेशन में, साथ ही में मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, थोड़ा फॉलो कर लो यार। और हाँ, पिछले वाले वीडियो में मुझे कई लोग बोल रहे थे कि टीम कंपैरिजन वाला वीडियो बनाओ, हर एक टीम का हर एक टीम के साथ वन ऑन वन वाले वीडियोस बनाओ। तो यार अभी देखो, अभी सिर्फ 40 दिन बचे वीवो प्रो कबड्डी स्टार्ट होने के लिए और टोटल 12 टीम्स है, और हर एक टीम का अगर हर एक टीम के साथ वन ऑन वन वाला एक वीडियो बनाए तो टोटल 66 वीडियोस हो जाते हैं। अभी 40 दिन में 66 वीडियोस, हर दिन एक वीडियो डाला तो भी नहीं हो पाएगा, तो अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं वेदांत पेदिया मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। सभी टीम्स के टीम एनालिसिस देखने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए और सभी टीम्स की स्टार्टिंग 7 देखने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत पेदिया मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड तक देख रहे हो वीडियो, तो चलो मैं तुम लोग को एक सीक्रेट बता देता हूँ जो मैं प्लान कर रहा हूँ। शायद जब वीवो प्रो कबड्डी स्टार्ट होगा तब मैं हर दिन उसका रिव्यू बना के एक वीडियो बनाऊंगा, यानी हर दिन वीडियोस आएंगी। ये फाइनल नहीं है, ये बस प्लान कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल ही हम दोनों का सीक्रेट है, किसी को बताना मत।